दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के बाग एरिया में रिसेंटली एक टाइटानोसॉरिड डायनोसर का एग मिला था, जिस एग के अंदर भी एक यग है। यह खोज दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक रेप्टाइल्स में कोई ओवम इन ओवो एग नहीं पाया गया है। इस एग से यह पता चल सकता है कि क्या डायनोसर का रिप्रोडक्टिव साइंस टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और बर्ड्स के जैसे था। मिड इंडिया का अपर क्रिटेशियस लैमेंटा लंबे समय से डायनोसर्स के फॉसिल्स की खोज के लिए जाना जाता है। रिसर्चर्स को बाग एरिया के पास एक गांव में बड़ी संख्या में टाइटानोसॉरिड सॉरोपॉड के नेस्ट का पता चला। एक नेस्ट में से रिसर्चर्स को 10 एग्स मिले, जिसमें से एक एबनॉर्मल था। इस एग में दो गोलाकार शेल्स थे, जिसके बीच अंतर था, जो ओवम इन ओवो की तरह था। इससे पहले कभी भी इस तरह का डायनोसर एग नहीं पाया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि पहले यह माना जाता था कि डायनोसर्स में रिप्रोडक्शन टॉर्टोइस और बाकी रेप्टाइल्स की तरह होता है। इस रिसर्च के लेखक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर हर्ष धीमान का कहना है कि टाइटानोसॉरिड नेस्ट से ओवम इन ओवो एग की खोज से यह पता लगता है कि हो सकता है कि सॉरोपॉड डायनोसर में क्रोकोडाइल्स या बर्ड्स की तरह ही ओविडक्ट मॉर्फोलॉजी थी। साथ ही उन्होंने बर्ड्स के एग्स देने की खासियत को अपना लिया था। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.